स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। इससे पहले हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में खासी डिटेल में बात कर ली हुई है। रेट ऑफ रिएक्शन हमने डिफाइन किया, उसके यूनिट्स देखे, फिर हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज रेट के बारे में बात की। इसके अलावा हम लोगों ने ग्राफिकली मुख्तलिफ तरीक़ों से मैंने आपको सिखाया कि हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरीके से पता चला सकते हैं। आज का जो लेक्चर है इट इज़ गोइंग टू बी ऑन स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, जिसको हम लोग एक और भी टर्म इसके लिए यूज़ करते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट। ये दोनों एग्जैक्टली क्या चीज़ है? ये बेसिकली कांस्टेंट्स हैं जो रेट इक्वेशन के अंदर आते हैं। तो अब देयर यू माइट हैव सर्टेन क्वेश्चंस, व्हाट इज रेट इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली कि ये कांस्टेंट उस इक्वेशन में किस तरीके से आता है। इस पे जाने से पहले यू नीड टू नो कि व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन इज अ लॉ इन केमिस्ट्री, लाइक द जनरल लॉज जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो। इट स्टेट्स के जो रेट ऑफ रिएक्शन है, किसी भी रिएक्शन का जो रेट है, इंडिपेंडेंट के वेदर वो आपने सॉलिड लिया हुआ है, लिक्विड स्टेट में है या गैसीय स्टेट के अंदर है, लॉ ऑफ मास एक्शन स्टेट्स के जो किसी भी रिएक्शन का रेट होता है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स। सॉरी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स। As the word suggests, law of mass action and the word active and action mean the same. जो active mass का मतलब यहाँ पर यह बन रहा है कि जो reactant का हिस्सा अभी तक product में change होने की सलाहियत रखता है, यानी अगर A जो है वो B के अंदर change हो रहा है, in a very simple case I'm trying to tell you how, अगर A initially 10 है और B 0 है, after some time A 5 हो जाएगा और B भी 5 हो जाएगा, and after some time A जो है वो 0 हो जाएगा and B 10 हो जाएगा। So active mass का मतलब ये हो जाएगा कि अगर मैं ये masses की बात कर रहा हूँ तो ये active mass है reactant का। reactant A था कि B था? A था ना। तो active mass of reactant is 10 initially, then it becomes 5 and then it becomes 0 as the time approach, as the time increases. So active mass हम reactants का लेते हैं and rate of reaction is directly proportional to active mass. इससे पहले जो आपने rate के बारे में formula पढ़ा वो ये था कि जो rate of reaction होता है it is equal to change in the concentration divided by time. एंड इसके अंदर फिर मैंने आपको समझाया था कि आप लोग इसमें रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन भी ले सकते हो, उसमें फिर आपको नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, और आप लोग प्रोडक्ट्स की कंसेंट्रेशन भी ले सकते हो। बट इन रियल लाइफ केसेस इट इज़ नॉट एक्चुअली पॉसिबल कि आप कोई भी रिएक्शन पहले लैब के अंदर जाओ, उसको करो और फिर एक्यूरेटली मखसूस टाइम के अंदर आप उसकी बार बार कंसेंट्रेशन चेक करो। आप हो सकता है कंसेंट्रेशन ही गलत चेक कर लो उसकी, ठीक है। एंड मैं आपको एक एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ समझाऊं कि जब हम लोग इंडस्ट्री के अंदर कोई एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं ना, तो इट्स नॉट ऑलवेज कि हम लोग उस एक्सपेरिमेंट को डायरेक्टली परफॉर्म करें। हम पहले ये भी कर सकते हैं कि उस एक्सपेरिमेंट को सिमुलेट करें, ठीक है। सिमुलेट का मतलब है उसको कंप्यूटर प्रोग्राम या किसी इक्वेशन के थ्रू चेक करें कि जो प्रोग्राम, जो जिस किस्म का रिएक्शन आप करना चाह रहे हो वो बिहेव कैसे करेगा ऑलरेडी नोन जो इन्फॉर्मेशन है उसकी बेसिस पे, ठीक है। Let me give you an example from my own field, which is not chemistry, which is related to aircraft industry. अगर आपने एक aircraft design करना है, so instead of making one aircraft, for example, let me give you an example. Let's say आप एक fighter aircraft design करना चाह रहे हो, ठीक है? No, pardon me, there is no यहाँ पे enough space नहीं है जिसकी वजह से, and I'm not good at drawing. So this is like a fighter aircraft. A fighter aircraft you are going to design it, and अगर आप इसको actually बनाना चाहते हो, so it would take you some millions of dollars to actually manufacture this and to put an actual engine inside and to do a real life case. तो आप क्या करते हो कि आप कंप्यूटर के अंदर इसका एक मॉडल बनाते हो, ठीक है,
जिसके लिए मुख्तलिफ 3D के सॉफ्टवेयर्स आप यूज़ करते हो, कैड यूज़ करते हो, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग यूज़ की जाती है इसमें, ठीक है। एंड अब उस कैड मॉडल को यूज़ करते हो मुख्तलिफ कंप्यूटेशनल प्रोग्राम्स के अंदर, विच आजकल तो बहुत लेटेस्ट प्रोग्राम्स आ चुके हैं, एंसिस आ गया है, यू हैव CFD एनालिसिस आप लोग करते हो, बहुत किस्मों के एनालिसिस आ चुके हैं जो कि कंप्यूटर के ऊपर किए जा सकते हैं। यू नीड सम वेरी हाई कंप्यूटेशन परफॉर्मेंस फॉर दिस, आप इसके लिए सुपर कंप्यूटर्स या वर्क स्टेशन यूज़ करते हो और उस मॉडल को आप कंप्यूटर के ऊपर टेस्ट करते हो और आपको सब कुछ पता चल जाता है कि ये कितनी फोर्स जनरेट करेगा, कितनी फ्यूल रिक्वायरमेंट होगी, कितनी ड्रैग होगी और हर चीज आपको पता चल जाती है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स यू एक्चुअली परफॉर्म अ सिमुलेशन, दिस थिंग इज कॉल्ड सिमुलेशन। सिमिलरली इन केमिस्ट्री यू कैन परफॉर्म अ सिमुलेशन एंड फॉर सिमुलेशन यू कैन नॉट एक्चुअली फाइंड द चेंजेस इन द कंसेंट्रेशन, रादर यू शुड हैव अ वेरी सिंपल रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस विच इज रिएक्टिंग एंड दिस इज गिवन बाय द लॉ ऑफ मास एक्शन। आई होप इट मेड सेंस टू यू कि लॉ ऑफ मास एक्शन एक्चुअली क्या कर रहा है, ये रेट ऑफ रिएक्शन जो था उसको रिलेट कर रहा है एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स के साथ, ताकि आपके पास एक सिंपल सा फॉर्मूला बन जाए जिसको आप यूज करके किसी भी किस्म की सिमुलेशन परफॉर्म कर सको इन केमिस्ट्री। नाउ लेट्स मूव ऑन। लॉ ऑफ मास एक्शन को हम लोग अब अप्लाई करते हैं इन अ सिंपल केस ऑफ ए चेंजिंग इन टू बी। तो लॉ ऑफ मास एक्शन आपको ये कहता है कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ ए। अच्छा, एक्टिव मास वैसे तो एक्टिव मास ही होता है, लेकिन हम केमिस्ट्री में फॉर सिंपलिसिटी एक्टिव मास को कंसेंट्रेशन ही ले लेते हैं, ठीक है। सो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ ए एंड द कंसेंट्रेशन जो जो कम होती जाएगी उसी तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन कम होता जाएगा, ठीक है। यू कैन लिंक दिस विद द प्रीवियस लेक्चर्स जिसके अंदर कुछ मिलती जुलती हम लोग बातें कर रहे थे। नाउ व्हाट इफ यहाँ पे अगर दो मोल्स हों, फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू अ केस के O3 changes into O2. अब to balance this reaction, two molecules of O3 will change into three molecules of O2. Reactant क्या चीज़ है? Ozone. Product क्या चीज़ है? Oxygen gas. तो मैं यहाँ पे लिखूँगा concentration of ozone, चूँकि ये O3 into 2 लिखा हुआ है, technically ये O3 plus O3 लिखा हुआ है, यही बात है ना, makes O2 plus O2 plus O2। ये मैंने ठीक लिखा है ना, इसमें कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना, इसको यूं लिखो या यूं लिखो इस बात का एक ही मतलब है, टू मोल्स ऑफ O3 का मतलब ही यही है, दो दफा O3 अलग अलग में, ठीक है। सो आप बजाय इसके कि इस दफा O3 एक दफा लो, आप O3 के साथ O3 एक और मल्टीप्लाई भी करोगे एंड टेक्निकली लॉ ऑफ मास एक्शन जो है ये इसकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट में आता है कि इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स अगर एक से ज्यादा हो तो, क्योंकि अब इस केस में मैंने a प्लस ए या 2a कर दिया तो ये कुछ यूं हो जाएगा, या टू मेक इट मोर सिंपल आई कैन राइट इट सिंपली O3 टू द पावर 2 और जितने यहां पे होते हैं मोल्स उतने यहां पे पावर बन जाती है, ठीक हो गया। दिस वाज अ वेरी सिंपल केस। अब थोड़ा सा इससे मुश्किल केस ले लेते हैं। आपके पास एक रिएक्टेंट है ए और एक रिएक्टेंट है बी और ये चेंज हो रहा है एक प्रोडक्ट सी और एक प्रोडक्ट डी के अंदर। जो रिएक्टेंट ए है इसके स्मॉल ए मोल्स हैं, जो रिएक्टेंट बी है इसके स्मॉल बी मोल्स हैं, रिएक्टेंट सी के स्मॉल सी और रिएक्टेंट डी के स्मॉल डी मोल्स हैं। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन बनेगी वो होगी रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की कंसेंट्रेशन इन टू बी की कंसेंट्रेशन। यही पढ़ा था ना, एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्टेंट्स तो ए और बी हैं, लेकिन अब ए एक दफा नहीं है, ए टाइम्स ए है, यानी ऊपर पार ए आ जाएगी और सिंपली जो बी है कैपिटल बी वो स्मॉल बी टाइम्स है, तो ये स्मॉल बी टाइम्स रेज टू पार स्मॉल बी। सो दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ मास एक्शन, ये जो भी स्टेटमेंट मैंने लिखी है। इस लॉ ऑफ मास एक्शन को आपको पता है कि अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन को मैं इक्वल टू के अंदर चेंज करता हूं तो यहां पर आई हैव टू पुट अ कॉन्स्टेंट। सॉरी मैं बहुत तेज बोलने का एक्चुअली आदि हो गया हूं अब, सो I'll actually speak rather gently now and slower. जो rate of reaction है this is equal to a constant k into the active mass of the reactants, जो कि आपको law of mass action से मिला। Now this constant is actually called the specific rate constant.
वाई डू वी कॉल इट स्पेसिफिक? इट्स अ जनरल इन्फॉर्मेशन फॉर यू. स्पेसिफिक हम लोग ना फिजिक्स में नॉर्मली वर्ड यूज करते हैं अक्सर. आपको पता है कि स्पेसिफिक हीट में और हीट कैपेसिटी, एक होती है ना सिंपल हीट कैपेसिटी. हीट कैपेसिटी होती है अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट टेम्परेचर. यानी एक डिग्री अगर टेम्परेचर किसी चीज का रेज हो तो उसमें कितनी हीट एब्जॉर्ब होगी, दिस इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी. और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है, कैपेसिटी इज इक्वल टू क्यू बाय डेल्टा टी, तो उसमें होता ही है, उसमें मास भी डिवाइड हो जाता है. यानी हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. दिस वाज अ सिंपल एग्जांपल टू इलस्ट्रेट कि बेसिकली स्पेसिफिक वर्ड का मतलब ये होता है पर यूनिट मास. लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल. सिंपल वॉल्यूम को हम वी कहते हैं. स्पेसिफिक वॉल्यूम का मतलब होता है वी बाय एम. v by m, m by v का उल्टा है ना, और m by v डेंसिटी होता है, तो v by m को आप n by डेंसिटी भी कह सकते हो. इसका मतलब है कि स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ डेंसिटी. सो आई होप आपको अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि व्हाट डू वी मीन बाय स्पेसिफिक टर्म जो है जो फिजिक्स वगैरह के अंदर यूज होती है. यहाँ पे भी बेसिकली स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टेंट का मतलब यही बन रहा है. रेट यहाँ पे क्या है, r, और r को अगर आप डिवाइड करो, ये जो ये चीज लिखी हुई है पूरी जिसको मैं भी रेड में इंसर्ट कर रहा हूं, ये क्या चीज है, ये एक्टिव मास है. ठीक है, तो आप बेसिकली रेट को मास के साथ डिवाइड कर रहे हो, तो बेसिकली ये आपके पास स्पेसिफिक रेट आ जाएगा. और सिंस इट्स अ कांस्टेंट, द के इज अ कांस्टेंट, वी कॉल इट अ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, या द अदर टर्म फॉर दिस इज वेलोसिटी कांस्टेंट. टू सिंप्लीफाई द डेफिनेशन, अगर मैं जो ए मैंने लिया हुआ है इसका अगर मैं एक मोल लूं, ठीक है, यानी वन मोलर सोल्यूशन लूं, एक मोल नहीं लूं. अच्छा, एक मोल लेना और वन मोलर लेने में फर्क क्या है यहां पे? एक मोल लेने का मतलब है कि स्मॉल ए की वैल्यू मैं कह रहा हूं कि वन कर दो, ठीक है, यानी वन टाइम्स वट एवर दिस ए इज एंड वन टाइम्स वट एवर दिस बी इज. और वन मोलर लेने का मतलब यह है कि ये जो ए है ना, जो सोल्यूशन बना हुआ है ए, इसका वन मोल पर डीएम क्यूब सोल्यूशन ले लो. यानी कंसेंट्रेशन जो है ना वो वन मोल ले लो, वन मोल पर डीएम क्यूब ले लो. सो मैं बेसिकली कह रहा हूं कि आप कंसेंट्रेशन को वन मोलर ले लो, स्मॉल ए की वैल्यू आपने वन नहीं लेनी, वो जितनी मर्जी आप ले लो. ठीक है, तो रेट इक्वेशन बन जाएगी बेसिकली के इन टू वन टू द पावर ए इन टू वन टू द पावर बी. यानी आप नंबर ऑफ मोल्स जितने मर्जी लो, लेकिन कंसेंट्रेशन आप वन मोलर सॉल्यूशन के हिसाब से बनाओ. ठीक है, अब जो आप अगर इसको सॉल्व करो, वन की जो मर्जी पार ले लो, आंसर तो वन ही आता है, तो बेसिकली आर इज इक्वल टू के हो जाएगा. एंड यहां से आपको यह पता चल रहा है कि अगर आपके जो रिएक्टेंट्स हैं वो आप वन मोलर ले लो, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन निकलता है वो एक्चुअली रेट कॉन्स्टेंट के बराबर होता है. यहां से तो बेसिकली आपने रेट कॉन्स्टेंट की डेफिनेशन निकाल ली. द रेट कॉन्स्टेंट equals to the rate of reaction when concentrations, yeah, let me write it the way I told you, when one molar solutions of reactants are reacted. I repeat, रेट कॉन्स्टेंट या स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टेंट, टेक्निकली इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन कि अगर आप एक मोलर सोल्यूशन ले लो रिएक्टेंट्स का, यानी जितने भी आपके पास अगर दो रिएक्टेंट्स हैं, तीन रिएक्टेंट्स हैं, उनका आप एक मोलर सोल्यूशन ले लो. आई रिपीट, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप एक मोल ले लो. फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू N2O5. टू बैलेंस इट यू कैन मेक इट 2, यू कैन मेक इट 5, you can make it 2. Now, I do not mean के आप इन दो नंबरों को आप इनके मोल्स एक एक कर दो दोनों के. I mean कि आप ये जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का सोल्यूशन है इसको एक मोल के एक मोल डालो आप एक डेसीमीटर क्यूब के अंदर और फिर आप सोल्यूशन का रिएक्शन करवाओ. ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट द रेट कॉन्स्टेंट. रेट कॉन्स्टेंट के जो यूनिट्स हैं, अगर मैं इसके बारे में आपसे पूछूं, what do you think इसके क्या यूनिट्स होंगे? इसके यूनिट्स टेक्निकली केस टू केस वेरी करते हैं.
क्योंकि जितने आप मोल ज़्यादा डालोगे उसके हिसाब से यहाँ पे मोल क्यूब हो जाएगा, मोल फोर हो जाएगा, ठीक है। तो रेट कॉन्स्टेंट के यूनिट्स भी उस हिसाब से वेरी कर जाते हैं। सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट्स यूनिट्स, लेट्स कंक्लूड बाय टेलिंग यू द फैक्ट कि जो के आपने अभी डिफाइन किया है रेट कॉन्स्टेंट, स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टेंट, इज इट कॉन्स्टेंट? ये आपके जहन में क्वेश्चन आना चाहिए, इज इट कॉन्स्टेंट ऑलवेज, यानी इसकी एक ही फिक्स वैल्यू है दुनिया के तमाम रिएक्शंस के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल नो, इसका तो आंसर स्ट्रेट अवे नो है। हर मटेरियल के लिए द रेट कॉन्स्टेंट हैज अ डिफरेंट रिजल्ट। यू माइट फाइंड इट स्ट्रेंज बट जो रिएक्शंस आप कर रहे हो उसके हिसाब से हर रिएक्शन का अलग रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू होगी, ठीक है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये कि क्या किसी मखसूस रिएक्टेंट के लिए, फॉर एग्जाम्पल जो भी आपने रिएक्शन देखा था नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन टू मेक नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, क्या इस मखसूस रिएक्शन के लिए ये रेट कॉन्स्टेंट हमेशा एक ही रहेगा? अगेन द आंसर इज नो, ये बदलता है। और ये किस हिसाब से बदलता है? ये टेम्परेचर के हिसाब से बदलता है। स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टेंट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेट कॉन्स्टेंट ज़्यादा हो जाता है, रिएक्शन तेज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और टेम्परेचर कम होता है तो रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू कम हो जाती है। सो बेसिकली इट इज नॉट मच ऑफ अ कॉन्स्टेंट आई वुड से, क्योंकि इसकी कॉन्स्टेंट वैल्यू तो सिर्फ एक मखसूस रिएक्शन के लिए सिर्फ एक मखसूस टेम्परेचर के ऊपर और प्रेशर और वॉल्यूम के ऊपर ही होती है। अगर आप कंडीशन चेंज कर दो तो उसके हिसाब से ये कॉन्स्टेंट भी चेंज हो जाता है, ठीक है। That's it for today's lecture. In the next lecture, हम लोग order of reaction के बारे में बात करेंगे, order of reaction, और we'll see कि ये किस तरीके से rate equation के साथ relate करता है।